माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर ये कम्युनिकेशन सिस्टम का फंडामेंटल ब्लॉक होता है। जैसे कि जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं टेलीफोन पे, तो आप जहां बोलते हैं वो माइक्रोफोन पे बोलते हैं टेलीफोन का, और आपका दोस्त जो सुन रहा होता है वो अपने स्पीकर के थ्रू सुन रहा होता है। जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसे कैच कर रहा है माइक्रोफोन, उसे किसी भी तरह से स्टोर कर रहा है, और बाद में जाके आप जो सुन रहे हैं वो अपने स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं। तो मुझे कहना चाहिए कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर ये ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का फाउंडिंग ब्लॉक होता है, और इनका जो वर्किंग है ये बहुत बहुत सिंपल है, और ये दोनों एग्जैक्टली ओपोजिट तरीके से काम करता है। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सेम है, बिल्कुल सेम है। वैसे हम शुरू करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, और आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि आप माइक्रोफोन का और लाउड स्पीकर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये आप जाने, लेकिन अगर जान लेते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने में और थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी जानने में तो हर्ज कुछ है नहीं, खासकर तब जब इनका वर्किंग जो है ये बहुत 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 सिंपल हो। तो यहां जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक माइक्रोफोन और एक लाउड स्पीकर का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि जब आप अपना माइक्रोफोन को ओपन करेंगे या फिर लाउड स्पीकर को ओपन करेंगे तो सिर्फ इतना ही कॉम्पोनेंट्स होंगे। हम इसके पीछे का जो फिजिक्स है उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो होता यह है कि हम कुछ बोलते हैं, जैसे मैंने कहा हेलो, तो इससे होता क्या है कि साउंड वेव क्रिएट होता है, हवा में साउंड वेव क्रिएट होता है, और वो साउंड वेव वो आगे बढ़ते हुए माइक्रोफोन में जाके इंसिडेंट करता है, यहां जाके टकराता है, और माइक्रोफोन में एक पतला सा कपड़ा जैसा एक मेम्ब्रेन रहता है। आप अगर खोले होंगे माइक्रोफोन तो आपको पता होगा, बिल्कुल पतला सा। और जब ये साउंड वेव वहां जाके टकराता है तो वो जो मेम्ब्रेन है, पतला सा पर्दा है, वो वाइब्रेट करने लगता है आगे पीछे, और वो जुड़ा हुआ होता है एक केस के साथ, बहुत हल्का सा केस के साथ। जब ये पर्दा वाइब्रेट करता है तो ये केस भी वाइब्रेट करता है, और ये केस आगे चल के जुड़ा हुआ होता है एक कॉयल के साथ, तो कॉयल भी वाइब्रेट करता है, और उसके पीछे रहता है एक मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये जो कॉयल है ये वायर से जुड़ा हुआ रहता है, यहां देखे वायर है, यहां देखे वायर है, वही वायर आगे चल के बिल्कुल इसी तरह का एक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो जो माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर वाला जो कॉम्बिनेशन है उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं। आप मास ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, आप माइक्रोफोन में बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग खड़े हैं मैदान में मान रहे, और वो लाउड स्पीकर से आपका जो आवाज है वो निकल रहा और वो लोग उसे सुन रहे हैं। तो ऐसा एक सिस्टम है मान ले, तो वही वायर वापस जाके बिल्कुल वैसा ही एक सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। ये सिस्टम जो है ये लाउड स्पीकर होता है, और पहला वाला सिस्टम क्या था, ये माइक्रोफोन था। अब इसके वाइब्रेशन के कारण, यहां जो पर्दा वाइब्रेट करेगा माइक्रोफोन का, इसके कारण किसी तरह से यहां इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। जब यही इलेक्ट्रिक करंट आगे प्रोपेगेट करके इस कॉयल के थ्रू पास होता है तो अब ये कॉयल वाइब्रेट करने लगता है, और उसी तरह का मेम्ब्रेन, ये देखिए मेम्ब्रेन लाउड स्पीकर का, वो इस कॉयल के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये लाउड स्पीकर का मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लगता है। तो जब आपका माइक्रोफोन का मेम्ब्रेन पीछे की तरफ जाता है तो सिग्नल कुछ ऐसा बनता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पर कुछ ऐसा बनता है, इस पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ ऐसा बनता है कि ये जो कॉयल है ये भी आगे की तरफ मूव करता है, और ये पर्दा ये भी आगे की तरफ मूव करता है। तो आपने कहा फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो इसके कारण एग्जैक्टली जिस तरह का वाइब्रेशन आपको इस पर्दा में दिखेगा, एग्जैक्टली सेम वाइब्रेशन आपको लाउड स्पीकर में भी दिखेगा। तो होता क्या है कि आपने जो कहा हेलो, जिस तरह का साउंड वेव इसने क्रिएट किया, वाइब्रेशन उस तरह का क्रिएट हुआ माइक्रोफोन में, उसी तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट हुआ यहां पर, वो आगे बढ़ा, और यहां पर उसी तरह का सेम वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, तो यहां से जो साउंड वेव निकलेगा, ये पर्दा जो हवा को वाइब्रेट करेगा तो उससे साउंड वेव निकलेगा। ऑब्वियसली अगर साउंड वेव पर्दा को वाइब्रेट करवा सकता है तो पर्दा का वाइब्रेशन साउंड वेव क्रिएट करेगा, तो एग्जैक्टली सेम साउंड वेव यहां पर क्रिएट होगा। तो आपने कहा यहां हेलो, लोगों ने लाउड स्पीकर के थ्रू सुना हेलो, और चूंकि लाउड स्पीकर में
वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसके लिए किसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पर बनता है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल बने, उसे हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, उसकी जो पावर है उसे बढ़ाना पड़ता है। तो बीच में जनरली हम एक एम्पलीफायर लगा देते हैं। अगर एम्पलीफायर नहीं लगाएंगे तो आप जिस इंटेंसिटी से बात करेंगे उससे कम इंटेंसिटी से सुनाई देगा स्पीकर से। तो बीच में जुड़ा होता है एम्पलीफायर। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह से एग्जैक्टली काम कर रहा है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। तो जब ये वाइब्रेट करता है, मान ले ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस इंस्टेंट में ये पीछे की तरफ मूव किया, थोड़ा सा पीछे मूव किया, आपने कुछ कहा होगा और ये वाइब्रेट किया होगा। वाइब्रेशन के एक छोटा सा पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पर्दा थोड़ा सा पीछे गया। जैसे ये थोड़ा सा पीछे जाएगा तो चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है कुछ ऐसे, तो एक खास इंस्टेंट को हमने कंसीडर किया कि ये पीछे गया। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हुए साउथ पोल में ऐसे एंटर करेगा, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और जब ये कॉयल वाइब्रेट करेगा तो इसका जो फ्लक्स होगा, एसोसिएटेड फ्लक्स, वो चेंज होगा। ये कॉयल सामने आ जाएगा तो उसका जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, इसे हमने कर दिया पीछे, थोड़ा सा पीछे हुआ तो एसोसिएटेड फ्लक्स जो है इस कॉयल का वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये नॉर्थ पोल के थोड़ा ज्यादा करीब आ गया। तो जैसे ही चेंज इन फ्लक्स होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉयल के थ्रू, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है और क्रिएट होता है इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ये हम लेंज रूल से या लेंज लॉ से पता कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा होता है, मानो कि यहां कुछ मैग्नेटिक पोल क्रिएट होगा इस कॉयल में, कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि ये इसे आगे बढ़ने से रोकेगा। यहां पर ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, मैग्नेट की तरफ बढ़ रहा, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा बनेगा, इंड्यूस्ड करंट ऐसा बनेगा कि ये इसे आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर ये पीछे जा रहा होता है तो फिर इसे पीछे जाने से रोकेगा। यही है बेसिक लेंज लॉ, आपने पढ़ा होगा। तो अब अगर ये आगे जाने से रुकता है, इसका मतलब ये जो फेस है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसे बनना चाहिए, करंट ऐसा क्रिएट होगा ताकि ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा और ये साइड जो है ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो अगर इसे नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करना है इस साइड को, तो करंट को कैसे फ्लो होना होगा? करंट को फ्लो होना होगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट इधर आपके तरफ आया, ऊपर की तरफ स्क्रीन से बाहर की तरफ, अब स्क्रीन में अंदर की तरफ चला गया। देखिए, टू डायमेंशनल फिगर है, किसी को लग सकता है कि ये क्लॉकवाइज है, किसी को लग सकता है एंटी क्लॉकवाइज है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये असंभव है समझा पाना कि ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर को इस तरह के सिचुएशन में जब टू डायमेंशनली प्रोजेक्ट किया जाता है, ये इम्पॉसिबल होता है। किसी को लगेगा क्लॉकवाइज, किसी को लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। किसी को अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आप समझ ले मुझे कहना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। किस डायरेक्शन से देखे? अगर यहां से देखे तो, अगर आप यहां से देखते हैं, इस डायरेक्शन से देखते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा। जैसे ही ऐसा होगा, इसका मतलब करंट का फ्लो अगर इस वायर से देखे तो इस डायरेक्शन में होगा, और यही करंट ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे वापस इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो करंट का फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है, वही करंट प्रोपगेट करेगा, यहां एम्पलीफायर होगा, वहां से एम्पलीफाइड हो जाएगा करंट, और ये करंट इस डायरेक्शन में आएगा। एम्पलीफाइड क्यों होता है, हम कैसे कर सकते हैं? हम एम्पलीफायर में यूज करते हैं ट्रांजिस्टर। हमने ये देखा था कि ट्रांजिस्टर के बेस में अगर हम छोटा सा करंट सेंड करते हैं, अगर बीजेटी ट्रांजिस्टर की बात करें, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो उसका जो कलेक्टर साइड होता है उससे बहुत बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, प्रोपोर्शनली बहुत हाई करंट फ्लो करता है। तो इस तरह से हम एम्पलीफायर बना सकते हैं ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए। तो बीच में एम्पलीफायर होगा जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, करंट को एम्पलीफाई करेगा। अब देखिए यहां पर करंट कैसा हो रहा है, यहां पर करंट कुछ ऐसा हो रहा है, यहां से करंट आ रहा है और ऐसे फ्लो करते हुए, कॉयल के थ्रू फ्लो करते हुए यहां से ऐसे ये आगे बढ़ जाएगा। ऐसे मैं फिर से बता दूं, यहां इस फिगर में ये जो फ्लो है, अगर आप इस डायरेक्शन से देखें, यहां से अगर आप देखें, तो आपको दिखेगा कि ये जो करंट का फ्लो है ये एंटी क्लॉकवाइज है।
फिर से आपको दिख सकता है क्लॉकवाइज है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं मेरा कहने का मतलब यह है कि यह एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे ही ऐसा होगा तो यहां क्रिएट होगा नॉर्थ पोल और यहां पर क्रिएट होगा साउथ पोल। तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉयल जो है ये रिपेल्ड होगा, यहां पर भी एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है देखिए यहां पर, तो ये इसे रिपेल करेगा। जैसे ही रिपेल करेगा तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, बाएं से दाहिनी तरफ मूव करेगा। और यहां पर क्या हुआ था, यहां भी वही हुआ था, ये इधर मूव किया था ड्यू टू वाइब्रेशन। तो जब जब ये वाला मेम्ब्रेन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मेम्ब्रेन भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट जब होगा तब भी यही होगा, जब ये मेम्ब्रेन माइक्रोफोन का मेम्ब्रेन इधर मूव करेगा तो यहां स्पीकर का जो मेम्ब्रेन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप जो भी कहेंगे यहां पर, आप जो भी कह रहे हैं, जो भी साउंड वेव क्रिएट हो रहा उसके कारण जो भी वाइब्रेशन यहां पर क्रिएट हो रहा है, एग्जैक्टली सेम वाइब्रेशन यहां क्रिएट होगा और एग्जैक्टली सेम साउंड यहां स्पीकर से क्रिएट होगा। तो ये था माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का बिल्कुल बेसिक फंक्शनिंग। मैं यहां आपको कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ और टर्म्स बता दूं, जैसे कि यहां पर जो सिग्नल बनता है, जैसे कि इस केस में इस तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बना था, इस तरह के सिग्नल को हम कहते हैं ऑडियो सिग्नल, और माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर को कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। ये दोनों एक तरह के ट्रांसड्यूसर्स है। इसे कहा जाता है इनपुट ट्रांसड्यूसर, ये इनपुट कर रहा है, और इसे कहा जाता है लाउड स्पीकर को आउटपुट ट्रांसड्यूसर। और माइक्रोफोन्स भी तरह तरह के होते हैं, जैसे कि डायनेमिक माइक्रोफोन्स हो गए और कंडेंसर माइक्रोफोन्स हो गए। हम माइक्रोफोन को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उन सब के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। और मैंने यह भी बता रखा है कि मैं कौन सा माइक्रोफोन यूज करता हूं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में हम कम्युनिकेशन सिस्टम के अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।